मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है बल्कि खाद की शॉर्टेज बनाई जाती है। पराली से प्रदूषण मात्र 8% होता है। उन्होंने कहा कि जबकि 92% प्रदूषण फैक्ट्रियों से ही होता है। छोटू राम जयंती मना रहे हैं आज, और सर छोटू राम जी बड़े किसानों के, मजदूरों के, यानी कमेरे वर्ग के मसीहा रहे हैं, लुटेरों से ता उम्र उन्होंने बचाने की कोशिश इस वर्ग को की है। लेकिन आज फिर हम वहीं पे जा रहे हैं, और सर छोटू राम की जो सीख है, जो सबसे ज़्यादा वो जिस बात पे उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आगे बढ़ेंगे। रोहतक से बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते हैं। ट्रिपल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पारस मलिक को पुलिस ने धर दबोचा है। 19 सितंबर को उसने वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कुख्यात राहुल बाबा गैंग का शार्प शूटर है पारस मलिक, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हफ्ते चढ़ चुका है ये शूटर। 19 सितंबर को उसने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस को इसकी तलाश थी, और अब ट्रिपल मर्डर का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर आपको रोहतक से दे रहे हैं। यही शार्प शूटर है जिसे पुलिस तलाश रही थी। 19 सितंबर को इसने वारदात को अंजाम दिया था। ट्रिपल मर्डर का ये आरोपी है, इसका नाम है पारस मलिक, कुख्यात राहुल बाबा गैंग का शार्प शूटर है, जिसे अब पुलिस ने धर दबोचा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपके डेली हरियाणा सरकार ने खरीदा नया हेलीकॉप्टर। चंडीगढ़ में की गई नए हेलीकॉप्टर की पूजा। सीएम सायरे के हेलीकॉप्टर की पूजा। प्रदेश के एविएशन मिनिस्टर विपुल गोयल और मंत्री राजेश नागर भी रहे मौजूद। वॉलेस ग्रुप के ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी। कंपनी के निदेशकों पर करीब 500 करोड़ के कर्ज दिलवाने का है आरोप। सहयोगी कंपनियों पर भी आई आफत। हिसार में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी कम, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। तापमान में भी काफी गिरावट। हरियाणा में जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़े। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को दिए 15% से लेकर 30% तक बढ़ोतरी के आदेश। 1 दिसंबर से लागू होंगे जमीनों के बड़े। मुख्यमंत्री फिर से आपका स्वागत करते हैं। झज्जर में हाई टेंशन लाइन बिछाने का मामला तूल पकड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जहां इस मामले में